बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कैसी अवेयरनेस चैनल के मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स, तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे लाइक करते हैं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आज का हमारा मौजू है पंजगूर के जो बाशिंदे हैं उनका हुकूक, पंजगूर के जो गरीब लोग हैं उनका हुकूक, पंजगूर के जो बीमार लोग हैं उनके हुकूक, सेहत के हवाले से हम गरज हर जो इदारा यहाँ पे काम कर रहे हैं उन तमाम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि पंजगूर की आवाम की ख्याल करें और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। ये मैसेज है मेरे आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो इंसान की सबसे जो बड़ी ज़रूरत है, जो इंसान को चाहिए, वो खुराक है। उसको ज़िंदा रहने के लिए सबसे पहली चीज़ खुराक है। क्या यहाँ पर जो महकमे काम कर रहे हैं खुराक के हवाले से, उनका रोल क्या है? जो खुराक का मिनिस्टर है वो पंजगूर डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या कर रहा है? ये मेरा सवाल है उनसे। दूसरी बात, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है इंसान की सेहत। सेहत के हवाले से अगर देखा जाए 50 बेड हॉस्पिटल खुदाबादन और सिविल हॉस्पिटल तिचकान का जो हॉस्पिटल यहाँ पे मौजूद है उसकी हालत क्या है? मैं खुद वहाँ पे गया हूँ, मैंने उनकी इमरजेंसी वार्ड में गया हूँ, वहाँ पे उसका छत गिर रहा है और एक दो वाकया तकरीबन 4 दिन पहले भी हुआ है उनका छत गिर गया हॉस्पिटल का। ये अलग इशू है, मगर जो हमें चाहिए, जो इंसान को चाहिए, वहाँ के अद्वियात हैं, वहाँ के हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, लेडी डॉक्टर हैं, वो हमें चाहिए। और जो टेस्ट होते हैं सेहत के हवाले से, पहले टेस्ट बाद में इलाज, ये सिविल हॉस्पिटल में लेबॉरेटरी होना चाहिए। तमाम बीमारी का टेस्ट, चाहे कैंसर का हो, चाहे अंसर हृदय का हो, चाहे और कोई बीमारी हो, तो इस वक्त जो लाख के पंजगूर के लोगों को उस हवाले से हेल्थ के हवाले से काम किया जाए। दूसरी बात, हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को, ये मैसेज देना चाहते हैं, जो हेल्थ का मिनिस्टर है पंजगूर के हवाले से उसका रोल क्या है? उसका रोल आप लोग सवाल करें, मुझे कमेंट दें। तीसरी चीज़ है एजुकेशन। जो एजुकेशन है उसके हवाले से, गरीब का बच्चा जो स्कूल में जाता है उनको गवर्नमेंट कौन कौन सी सहूलियत दे रही है खुराक के हवाले से और उसके लिबास वर्दी के हवाले से, और इस हवाले से आप मुझे कमेंट दे सकते हैं। क्या हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको सही तालीम वहाँ से मिलती है, या कि एक टीचर जो खुद यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं? ये बड़ा सवाल है, आप लोग सवाल करें, ये बड़ा आलमिया है। अगर ज़रात को हम देखें, ज़रात का हाल क्या है यहाँ पर जून में, उनके बीच कहाँ को जाती है, किसको मिलती है और गंदम आता है, कौन इसको लेता है? क्या ये वही यहाँ के फार्मर को मिल रहे हैं? वो अपना रोज़गार कर रहे हैं, वो अपनी रूसी कमा रहे हैं ज़रात सेक्टर के हवाले से? जंगलात का गम ले लें, जो जंगलात का महकमा यहाँ पे, जो हमारे रूरल एरिया है वहाँ के जो हमारे ये चरन परिंद और जानवर हैं जंगली, उनकी हिफाजत के लिए ये क्या रोल प्ले कर रहा है? क्या ये सही रोल प्ले कर रहा है? एक होता है ज़कात। ज़कात के हवाले से अगर हम देखा जाए तो ज़कात के हवाले से ये लोग क्या कर रहे हैं? पंजगूर के इतने बड़ी आबादी के लिए कितने ऑफिस यहाँ खुले हैं और कितने जो है यहाँ ज़कात के ऑफिस हैं? एक है, दो है, आप लोग सवाल करें, अपने नुमाइंदों से सवाल कर जो मुंतखब हुए हैं असम्बली में बैठे हुए हैं, वो आपको तरह तरह की फरमाइशें आप लोगों से करते हैं, आप लोग भी फरमाइश करें, आप भी अपनी आंखें खोलें और उनको जो है इस बात पर कायल करें कि उनका रवैया अपने इलाके के साथ किस तरह है। बाकी बहुत सारी चीज़ें जिन पर मैं बात करना चाहता हूँ। बीएनडीआर का महकमा है, उसका रोल क्या है? वो क्या कर रहा है पंजगूर आवाम के लिए और पंजगूर के लोगों के लिए क्या कर रहा है? अगर देखा जाए तो बीएनडीआर के अलावा लोकल गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो क्या कर रहा है? यहाँ जो हम लोगों ने एक चेयरमैन बैठाया हुआ है, उसका रोल क्या है पंजगूर आवाम के लिए? डिप्टी कमिश्नर का रोल क्या है पंजगूर आवाम के लिए? ये जो मेयर बना हुआ है 2018 के इलेक्शन के बाद, जो एक मेयर का सिस्टम आया हुआ है, वो भी बैठा हुआ है, उसका रोल क्या है?
अपने आपस में बैठता है पंचकूट की आवाम को, लोगों को टाइम देता है, या यहाँ से वो चला गया है किसी अपने काम के लिए? ये सवाल आप लोग करें। इनका रोल क्या है? सिर्फ हम हमारे जो इलाके के काउंसलर हैं, हम और आपने उनको वोट दिया है। काउंसलर का रोल क्या है इलाके के लिए? क्या कभी इतने वक्त में काउंसलर ने इलाके के लोगों के लिए मीटिंग बुलाया है, उनको पूछा? यहाँ पे मेरे ख्याल में 4 करोड़ से ज़्यादा फंड आए हुए हैं ये कॉर्पोरेशन का, ये फंड के लिए कभी काउंसलर ने मीटिंग किया हुआ है? या किसी और के कहने पर सर पे कुर्सी पे बैठे हुए हैं, पीछे से कोई ऑर्डर दे रहा है? ये वैली थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसके हवाले से इंशाल्लाह इसका दूसरा जो पार्ट हम ज़रूर शाया करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको शेयर करोगे, हमारे चैनल को लाइक करोगे। शुक्रिया।